नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एग्ज़ाम्स कार्ड। आइए जानते हैं 8 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स, टॉप टेन न्यूज़। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। देखते हैं पहला न्यूज़ क्या कह रहा है। 8 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस हर साल 8 नवंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन रेडियोलॉजी के उस मूल्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जो सुरक्षित रोगी देखभाल में योगदान देता है और स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता में महत्वपूर्ण भूमिका, रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफी की सार्वजनिक समझ में निरंतर सुधार करता है। इसी को इंग्लिश में एक बार रीड कर देता हूँ आपके लिए। इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन 8 नवंबर एवरी ईयर। The day is observed to promote awareness of the value of radiology, contributing to safe patient care and continual improvement of public understanding of the important role of radiologists and radiographers play in the continuum of healthcare. ठीक है, नेक्स्ट है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने जम्मू कश्मीर में पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, ठीक है। यूनियन पावर मिनिस्टर कौन है? पावर मिनिस्टर, ऊर्जा मंत्री कौन है? आर के सिंह वर्चुअली इनॉग्रेटेड दी मरुसुदर रिवर डाइवर्जन ऑफ पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर। द पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज 1000 मेगावाट इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड एंड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। द मरुसुदर रिवर इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर, ठीक है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के मरुसुदर नदी के मोड़ का विस्तृत उद्घाटन किया। पाकल दुल जल विद्युत परियोजना 1000 मेगावाट का निर्माण चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। मरुसुदर नदी चिनाब नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट है, अल्फाबेट इंक ने AI संचालित ड्रग डिस्कवरी स्टार्टअप आइसोफॉर्मिक लैब लॉन्च की, ठीक है। गूगल की मूल कंपनी है कौन सी? अल्फाबेट इंक। इन्होंने लंदन में एक नई कंपनी आइसोफॉर्मिक लैब लॉन्च की है। कंपनी का उद्देश्य मानवता की कुछ सबसे विनाशकारी बीमारियों के इलाज के लिए दवा की खोज और दवा के लिए AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना है, ठीक है। डैमस हैसाबिस आइसोफॉर्मिक लैब के CEO होंगे। और आपको साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए गूगल की डिटेल्स, गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचई हैं, ठीक है। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 में। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, संयुक्त राष्ट्र अमीरात यानी कि USA में, अमेरिका में है। गूगल की स्थापना संस्थापक कौन है गूगल के? लैरी पेस और सर्गी ब्रिन, ठीक है। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रख्यात क्रिकेट कोच तारक सिन्हा का निधन हो गया, ठीक है। प्रख्यात क्रिकेट कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता तारक सिन्हा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्हें मनोज प्रभाकर, रमन लांबा, अजय शर्मा, अतुल वासन, सुरेंद्र खन्ना और भी काफ़ी सारे बड़े बड़े नाम हैं जैसे आशीष नेहरा, शिखर धवन, ऋषभ पंत जैसे भारत के कुछ बेहतरीन क्रिकेटरों को प्रशिक्षित करने के लिए जाना जाता है। इन सबको इन्होंने ट्रेनिंग दी थी, आशीष नेहरा, शिखर धवन, ऋषभ पंत और भी काफ़ी सारे नाम इसमें लिखे हुए हैं, आकाश चोपड़ा, अंजुम चोपड़ा, ठीक है। इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मनु भाकर और जवाद फोरोफी ने ISSF प्रेसिडेंसी कप में स्वर्ण पदक जीता। भारत की महिला पिस्टल स्टार मनु भाकर और ईरानी ओलंपिक चैंपियन जवाद फोरोफी ने पोलैंड के व्रोकला में चल रहे ISSF इंडियन शूटिंग फेडरेशन जिसे कहते हैं, ठीक है, इंडियन स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन ISSF का फॉर्म है, ठीक है। इसका प्रेसिडेंट कप जो अभी चल रहा है पोलैंड में, ठीक है, उसके उद्घाटन संस्करण में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। भारत ईरानी जोड़ी मैथलेंड लेमोली और आर्टेम चेरनोसोव की
फ्रांसीसी रूसी जोड़ी को 16-8 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। मतलब रूस की जोड़ी थी उनको हराया है इन्होंने, किस किसने, मनु भाकर और जावेद फोरोगी ने। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है। पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत बसपश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। पुनीत राजकुमार जिनका हाल ही में निधन हो गया था, आपको मैंने बताया था, आपको भी याद होगा। ठीक है, फेमस एक्टर राजकुमार के बेटे थे। ठीक है, कन्नड़ मूवियों में काफ़ी सारी मूवी इन्होंने कर रखी हैं। कन्नड़ का KBC चलाते हैं ये, कला चलाते थे। ठीक है, कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत विश्वश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। प्यार से अप्पू कहे जाने वाले पुनीत, जिनका जन्म 17 मार्च 1975 को चेन्नई में हुआ था, एक अभिनेता, पार्श्व गायक, टेलीविजन प्रस्तोता और निर्माता थे। ठीक है, मैटनी आइडल राजकुमार के बेटे पुनीत 29 फिल्मों में मुख्य अभिनेता थे, एक बच्चे के रूप में, और कई फिल्में दिखाई दिए। ठीक है, काफ़ी सारी फिल्में इन्होंने की थी। नेक्स्ट है, 6 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया? युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंटिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इन वार एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इज एन इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन 6 नवंबर। ऑन 5 नवंबर 2001 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA डिक्लेयर्ड 6 नवंबर ऑफ ईच ईयर एज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इन द वार एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो 5 नवंबर 2001 को ये घोषित किया गया था कि हर साल 6 नवंबर को ये पर्टिकुलर डे मनाया जाएगा। ठीक है, किसने डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल डे, किसने डिक्लेयर किया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आकाश कुमार ने 2021 IABA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, IABA को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, पुरुष विश्व विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कौन है आकाश कुमार देख लेते हैं एक बार। ये हैं आकाश कुमार, बॉक्सर हैं ये। ठीक है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है AIBA चैंपियनशिप में। ठीक है, भारतीय मुक्केबाज आकाश कुमार सर्बिया के बेलग्रेड में 2021 IABA पुरुष विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। 21 वर्षीय आकाश 54 किलोग्राम वर्ग में, ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, किस वर्ग में खेलते हैं ये, 54 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के मखमुद सबिर खान से 0-5 से हार गए। आकाश विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले 7वें भारतीय पुरुष मुक्केबाज हैं। ठीक है, इनसे हारेंगे, अगर इनसे जीत जाते तो शायद सिल्वर और गोल्ड मेडल भी जीत सकते थे, लेकिन ये सिर्फ कांस्य पदक ही जीत पाए। ठीक है, वो भी एक बड़ी अचीवमेंट है। नेक्स्ट है, भारत का पहला रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर मुंबई में लॉन्च किया गया। ठीक है, भारत में पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर, ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में किया गया। ठीक है, किस मॉल में? जियो वर्ल्ड ड्राइव। ठीक है, ड्राइव इन थिएटर का संचालन और प्रबंधन मल्टीप्लेक्स चेन PVR, PVR को पता होगा, PVR किया, PVR करेगा इसका संचालन। ठीक है, थिएटर को रिलायंस रिटेल और मल्टीप्लेक्स चेन PVR के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया है। सुविधा में लगभग 290 कारों को समानियोजित किया जा सकता है। ठीक है, थिएटर में प्रदर्शित पहली फिल्म कौन सी रही? अक्षय कुमार की सूर्यवंशी, जो अभी अभी लगी है, ये इसमें पहली फिल्म लॉन्च की गई है इधर। ठीक है, दिखाई गई है। PM मोदी ने केदारनाथ में किया श्री आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण। केदारनाथ के पुनर्वास पुनर्विकास से संबंधित प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर 2021 को उत्तराखंड में केदारनाथ का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर परिसर में पुनर्निर्मित श्री आदि शंकराचार्य समाधि अंतिम विश्राम स्थल का उद्घाटन किया और समाधि पर श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। 2013 केदारनाथ बाढ़ में समाधि क्षतिग्रस्त हो गई थी। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे top 10 करंट अफेयर्स, top 10 न्यूज़। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी और भी काफ़ी सारा स्टैटिक मटेरियल वहाँ पर अपलोड होता रहता है। ठीक है, तो चलिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।